आकृति म्यूट करो बच्चे अपने आप को। देखो भाई, हम लोग सबसे पहले आज की क्लास जो रिवीजन क्लास, किरणदीप कौर गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। आज की क्लास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी का पैटर्न बता देता हूँ। आपकी जो थ्योरी आएगी 12th की, उसका पैटर्न मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। उसका पैटर्न क्या रहेगा इस बार, फिजिक्स की जो थ्योरी का पैटर्न है वो काफी इजी है, ठीक है। आपके पास स्पेशली 5 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास रहेंगे 1 to 14, ठीक है ना, ये, या आपके पास रहेंगे 14 क्वेश्चंस रहेंगे। 14 क्वेश्चंस में आपके पास 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच, ठीक है। पहले 14 क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपके पास 1 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन जो रहेंगे वो एक एक नंबर के रहेंगे। इसमें असर्शन भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, ठीक है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें 10 तो रहेंगे बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आपको पूछ लिया कि डी ब्रोगली की इक्वेशन लिख दो, तो उस इक्वेशन को आप लिख दो, दैट इज वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। आपको बोला ब्रैग्स लॉ ऑफ डायफ्रेक्शन लिख दो, आपने लिख दिया। आपको बोला लेंस फॉर्मूला लिख दो, आपने लिख दिया। इस तरह के वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये आ गए। इसमें 4 जो रहेंगे वो असर्शन और रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है ना, एंड रीजनिंग के रहेंगे। 4 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग के रहेंगे। तो ये 14 नंबर आपका सेक्शन ए आपको कंप्लीट करके दे देगा। सेक्शन बी में क्या होगा, देखो सेक्शन बी ये 8 मार्क्स का रहेगा सेक्शन, ठीक है। सेक्शन बी 8 मार्क्स का रहेगा और इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो 4 4 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हर एक का 4 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स, ठीक है ना, और ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 4 नंबर के, और इन 4 मार्क्स में भी आपके पास 4 क्वेश्चंस, यहां पे भी 4 क्वेश्चंस बना के देगा। ये पूरा का पूरा केस स्टडी पे रहेगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो केस स्टडी पे रहेगा, ठीक है ना, केस स्टडी पे रहेगा, ठीक है। ये केस बेस्ड होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि ये आपका जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा 8 मार्क्स का, ठीक है, ये 8 मार्क्स का आपका सेक्शन होगा। और सेक्शन सी जो रहेगा उसमें 9 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। यानी कि ये आपको कितने नंबर देके जाएगा, 18 मार्क्स देके जाएगा, ये आपको 18 मार्क्स देके जाएगा। और सेक्शन डी जो रहेगा, ठीक है, सेक्शन डी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर, और 3 मार्क्स ईच, यानी कि ये 15 मार्क्स आपको देके जाएगा। ये 15 मार्क्स के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए आपकी जो लड़ाई होगी वो सेक्शन डी में होगी, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास सेक्शन ई में रहेंगे, ठीक है, और सेक्शन ई में आपके पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच, और ये बनेगा कितना, 15 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न बनेगा बेटा, आप ऐड करके देख लो, 14 और 8, 22, 22 और 18 कितना हो गया भाई, 30, 30 और 30 60 ही हुआ। देखो भाई दोबारा से देख लो, 14 14 और 8, 22, 22 और 18, यार 40 होते हैं ना, 40 और 30 70, तो ये आपका आ गया 70 मार्क्स टोटल।
70 मार्क्स आपके टोटल बन गए और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के इस बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। ये आपका श्योर है कि आपकी क्लास की जो अटेंडेंस है, आपका वाइवा है, उस वाइवा के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है, वो आपके मार्क्स ऐसे मिल गए। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा बच्चा लोग, जिसमें से पहले ये जो 14 क्वेश्चंस जो थे, पिछली साल की बात करूं मैं, अगर लास्ट जो एग्जाम हुआ था उन एग्जाम की मैं बात करूं तो 20 एमसीक्यू थे। जो 20 एमसीक्यू थे ना, उसने बच्चों को रुला दिया था, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो देखो, यहाँ पे आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं लिखा मैंने, एमसीक्यू नहीं लिखा मैंने, आप देख लो, एमसीक्यू वर्ड यूज नहीं करा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में बहुत बार जो अच्छे बच्चे हैं उनके क्वेश्चंस खराब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी कि एमसीक्यू आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है। अब बढ़ते हैं आगे, आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टेट। देखो बच्चा लोग, इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे अच्छी पढ़ने वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनकी जो डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशंस मैं आपको करवाऊंगा, उन पे बेस होके कैसे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे प्लीज रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करना, रेगुलर, जितना ज्यादा रेगुलर रह के मेरे साथ काम करोगे मैं आपको उतना ही एक्सपर्ट बना दूंगा इस पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। और ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट की बहुत ही ज्यादा वैल्यू रहने वाली है इस साल के पेपर में, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है ये आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर की वेटेज इतनी है कि ये इकलौता आपको पास करवा सकता है, ठीक है ना, इकलौता एक चैप्टर आपको पास करवा सकता है, ठीक है ना, इतनी हिम्मत है इस चैप्टर की, देख लो, ठीक है। तो मैं बिना फालतू की बातें करे हुए और मैं स्टार्ट कर देता हूं इलेक्ट्रोस्टेट। देखो इलेक्ट्रोस्टेटिक की हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो बच्चा लोग, इसकी स्टार्टिंग जो है वो मैं बहुत ही जनरल तरीके से स्टार्ट करूंगा इसको, और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन हम इसकी लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत लाइटली पढ़ेंगे, नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट को, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे आए। स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। देखो बच्चा, इलेक्ट्रोस्टेट बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है एटरेस्ट। यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एटरेस्ट से डील करेगा, समझ रहे हो आप। इलेक्ट्रोस्टेट में दो वर्ड हमने यूज करे हैं, एक वर्ड है इलेक्ट्रो एंड अनदर वर्ड इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट से डील करता है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट इज स्पेशली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और रेस्ट में चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमें इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर स्टडी करनी है। मैं आपको बता दूं कि जब आपका चार्ज रेस्ट में है तब वो दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, तब फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, तब फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है, तब गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का कॉन्सेप्ट आता है, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आता है, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट तब आते हैं जब हम स्टडी कर रहे हो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। जब हम चार्जेस एट रेस्ट से डील करते हैं, इन दैट सिचुएशन ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमें फेस करने होते हैं। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चा लोग, कि जो चार्ज रेस्ट में है उनका केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी तब आती है जब वही चार्ज
मोशन में आता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट में जो जो बातें आप पढ़ोगे वो सारी की सारी बातें चार्जेस एट रेस्ट से डील करेंगी। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैट में जो जो पढ़ोगे ना वो चीज किससे जुड़ी है, चार्जेस से जुड़ी है जो रेस्ट में है। सीधी सी बात। अब चार्जेस क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है? देखो फिजिक्स एक ऐसी चीज है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप दिल से पढ़ोगे, जितना आप नेचर से जोड़ के पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा आपके टिप्स पे होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज कहां से हुई, कैसे हुई। तो मैं आपको चार्ज को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक बात बताना चाहता हूं कि सूखे बालों में कंघी करके देखो। सूखे बालों में आपने कंघी किया, या एक पेन ले लो, प्लास्टिक का पेन, और वो पेन आप अपने सूखे बालों में इस तरह से रब करते जाओ। आपने कई देर तक इसे रब किया, और रब करके जब आप अर्थ के सरफेस के नजदीक लेके गए तो ये आप देखते हो कि डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। इन दैट सिचुएशन दैट पेन इज सेट टू बी चार्ज्ड। अब चार्ज जब वो हुआ तो उसने क्या किया, उसने डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया। अब डस्ट पार्टिकल में डस्ट हटा दो, पार्टिकल पार्टिकल छोड़ दो, मतलब उसने पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। द पेन इज सेट टू बी चार्ज्ड व्हेन इट इज अट्रैक्टिंग द पार्टिकल्स। अट्रैक्ट करना या रिपेल करना क्या होता है, फोर्स बोलते हैं ना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स लगाना। यानी कि पेन ने फोर्स लगाया। अब पेन तो फोर्स नहीं लगा सकता, तो कौन फोर्स लगा रहा है, पेन के पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी हुई जिसमें वो किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स। तो आप क्या बोलोगे कि सर जी चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल बाय वर्च्यू विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल, फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर देता हूं। मैंने क्या कहा, मैं इस बात को लिख भी देता हूं, बहुत सारे बच्चे इसको नोट करना चाहते होंगे तो नोट भी कर लें। दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ये बच्चा, वो भी इंट्रिंसिक, अंदर की, बाहरी नहीं है ये, ऑफ ए पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल, फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल, अनदर पार्टिकल जिसमें वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। अब देखो बच्चा, चार्ज तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड एवरी एटम इन दिस नेचर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट वॉज टोल्ड बाय, किसने बताया सबसे पहला एटम मॉडल, किसने दिया, किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, वो कौन था, जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन वर्ड दिया, उसी से वर्ड निकला इलेक्ट्रिसिटी। और थॉम्सन ने ये बताया कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट इट मीन कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बाद में हम कहते हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन लगातार होती रही एटम मॉडल्स में, कैसे, सबसे पहले थॉम्सन का आया, उसके बाद रुदरफोर्ड जी महाराज ने काम किया, उसके बाद नील बोहर का फाइनली एक्सेप्टेंस में आया, ठीक है, जिसको हम आज एक्सेप्ट करते हैं, वो नील बोहर एटम मॉडल है। किसी भी एटम की प्रेजेंटेशन आप कुछ इस तरह से देते हो, एक्स ए जेड, जिसमें जेड जो होता है वो हमें एटॉमिक नंबर की इंफॉर्मेशन देता है,
एटॉमिक नंबर बताता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का होता है किसी भी एटम के पास उतना ही नंबर किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड ये ए जो होता है ना बच्चा, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज न्यूक्लियॉन, दैट इज न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियॉन से मतलब होगा, ठीक है। न्यूक्लियॉन का मतलब जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, मास नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, Fe 26 56। अगर आप सभी बच्चों से मैं पूछूं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 26, प्रोटॉन कितने हैं 26, न्यूट्रॉन कितने हैं 56 माइनस 26 मतलब 30, इसके पास 30 न्यूट्रॉन है, 30 न्यूट्रॉन है, 26 प्रोटॉन है, 26 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यही बात है ना। अब देखो बेटा कि ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कब कहलाएगा। अब मान लो देखो, हर एक एटम की टेंडेंसी क्या है, हर एक एटम की टेंडेंसी है अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने की, और अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो बॉन्डिंग की हेल्प से होती है, बिना बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कभी शेयर नहीं होते। जैसा कि आप देखो हमारे नेचर में, देखो हम किसी मतलब अपने पड़ोसी से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब बॉन्डिंग अच्छी है तो उस पड़ोसी को जब जरूरत पड़ती है तो वो भी तो मांगता है ना हमसे। ये तो नहीं होता ना कि हम किसी से चीज ले रहे हैं वो बदले में हमसे कुछ नहीं लेता, ऐसा तो हमारी नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। हमारी नेचर में सारा का सारा जो काम धाम है वो इस बात पे टिका हुआ है कि एक दूसरे की डिपेंडेंसी, ठीक है ना। अगर हम उससे चीज लेके आ रहे हैं तो 100% श्योर है वो भी हमसे कुछ ना कुछ तो लेगा, यानी कि बॉन्डिंग के बिना शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी, मान लिया बात। अब देखो, अब आप क्या कहते हो, मान लो कि मैं आपको देता हूं Na सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281, यही कॉन्फ़िगरेशन है, उसका 11 एटॉमिक नंबर है, उसकी टेंडेंसी क्या है, अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 ही उसके पास प्रोटॉन्स थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही इसने लूज किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और प्रोटॉन कितने, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, अब 28 प्लस। अब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, अब एटम नहीं रहा, ये आयन है, ये हिल डुल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, ये एटम की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अब ये आयन बन चुका है, ये फिक्स हो चुका है, ये ऐसा बंदा हो चुका है जिसकी जिंदगी अब सेट हो चुकी है, जिसकी लाइफ सेट है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आराम से जी सकता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कब गेन किया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। आप देखो जी, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 इसके पास प्रोटॉन्स है, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 17 के 17 ही, एक्सेस में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो दो तरह के चार्ज होंगे हमारे पास, एक पॉजिटिव और दूसरा
नेगेटिव। देखो बच्चा, जितनी भी यहाँ पे बात हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्टार्टिंग की बात की कहानी भी मैं आपको लगातार सुनाता आया हूं कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो हुई थी वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से हुई थी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक चार्जेस का जनरेट होना या इंड्यूस होना। देखो बच्चा लोग, फ्रिक्शन से कैसे इंड्यूस होते हैं? देखो आपने देखी होगी बिजली चमकती देखी होगी, वहां जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं वो फ्रिक्शन से होते हैं। आपने अपनी स्वेटर वगैरह नायलॉन के कपड़े जब निकालते हैं तो वहां फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण स्पार्किंग होती है हल्की हल्की, ठीक है। अब बालों में आप कंघी करते हो, प्लास्टिक का कंघा आपने ले रखा है, सूखे बालों में आप कंघी कर रहे हो, स्पार्किंग हो रही है, चट चट की आवाजें आ रही है, ठीक है, तो वो भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। एक ट्रक जा रहा है रोड पे, उसका एक किल्ला निकल के रोड को टच कर रहा है लगातार और चिंगारियां पैदा हो रही है, स्पार्किंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल बहुत सारे बन जाते हैं हमारे सामने। जैसे हम घर में प्लास्टिक की चेयर पे बैठे और चेयर पे ऊपर पैर करके बैठ गए और पीछे से हमें कोई मार रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद आप टच करके देखो चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, जैसे हम टच करते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं तो स्पार्किंग होती है, ऐसा ही कुछ है। यानी कि मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं कि ये जो चीजें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई। अब फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन में कहीं ना कहीं हीट हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो जैसे जैसे अपने दोनों हाथों को, जैसे अब सर्दियों का टाइम आया है, जैसे हमें ठंड लगती होती है हम हाथों को रब करते होते हैं और रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है ना हाथ, है ना। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो ऐसे ऐसे रब कर लो, जैसे आपने रब किया, रब करते हीट जनरेट हो गई और आपको थोड़ी ठंड कम महसूस हुई। तो यानी कि रबिंग इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करता है। अब जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करता है तो वो दूसरा सरफेस क्या चाहता है कि मेरे सरफेस पे वो मूव ना करे, इसलिए वो क्या करता है, वो उसके मोशन को अपोज करता है, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। इन केस ऑफ लिक्विड दैट इज नोन एज विस्कस फोर्सेस, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, हीट जनरेट होती है और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप अगर किसी एटम के पास वो एनर्जी जा रही है तो उसको सबसे पहले यूटिलाइज कौन करेगा, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट कंस्टिट्यूट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल करंट बोलते हैं, और इस फिनोमिना को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि चार्जेस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा एनर्जी, हमारी नेचर में जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, हर सिचुएशन में क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। उसी तरह से क्या चार्जेस भी क्वांटाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? तो वो तो देखते ही पता चल रहा है, हर एक के पास अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, इन सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट डिफरेंट है ना भाई। अगर आप बात करो Fe की तो उसके पास 26 है, अगर सोडियम की बात करो तो उसके पास अलग है, उसके क्लोरीन की बात करो तो अलग है। तो चार्जेस क्वांटाइज्ड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते हैं, ये बात मैं मानता हूं, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी आप मेरे को बता दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब मेरे सामने न्यूमेरिकल आए तो मैं उसको सॉल्व कर जाऊं। तो मेरा कॉन्सेप्ट सबसे पहला और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है इस चैप्टर का, दैट कॉन्सेप्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चा लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ना है तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझिए। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? क्वांटाइजेशन वर्ड जहां पे भी आता है, अब चार्ज का क्वांटाइजेशन है, इसका मतलब है चार्ज की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नंबर एक। चार्ज को आप बांट सकते हैं, नंबर दो। चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, नंबर तीन। यही बातें हर जगह अप्लाई होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एनर्जी को हम बांट सकते हैं, एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और
क्वांटाइजेशन वर्ड जहां जहां पे भी आएगा वहां वहां उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब कैसे, इसका तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे रखा है हमें, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। q जिसमें रहता है नेट चार्ज, q जिसमें रहता है हमारे पास नेट चार्ज, n जो रहेगा हमारा इंटीजर नंबर रहेगा जिसकी वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी। e जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है n इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो q इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस e। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। यानी आप, आपको अगर कोई कहे कि क्या चार्जेस फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, देन आंसर इज नो, चार्जेस फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते, चार्जेस फ्रैक्शन में कभी एग्जिस्ट नहीं करते। आप इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं, ठीक है। आप कहोगे सर जी चार्ज की जो है ना मिनिमम वैल्यू होती है प्लस माइनस ई, मिनिमम वैल्यू आप कह दोगे सर जी एग्जिस्ट करती है मिनिमम वैल्यू, और जिसकी वैल्यू भी आपने बता दी प्लस माइनस क्या ई के बराबर, प्लस माइनस ई के बराबर आपने वैल्यू कह दी। यानी कि जहां पे मिनिमम वैल्यू की बात होगी तो आप सीधा बोलोगे कि सर जी प्लस माइनस ई, प्लस माइनस क्या रहेगा ई के बराबर रहेगा। अब देखो बच्चा, आपको इसी इसी बात पे मैं एक बात और भी बनाऊंगा, जिस बात को मैं थोड़ी सी देर बाद आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। उस बात को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि वो क्या बात है, उस बात पे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे हम। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 ले लो, n इज इक्वल टू 2 लोगे तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या 2e, n इज इक्वल टू 3 ले लो तो n इज इक्वल टू अगर 3 लोगे तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू, चार्ज को आपने बांट दिया, चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, पैकेट्स की फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, यही मेंशन करना बच्चा, ठीक है, यही मेंशन करके चलना, ठीक है। देखो बच्चा लोग, अब इस चीज का बेनिफिट क्या है, देखो ये तो हो गया भाई रट्टे मारने वाली बात होगी, इस चीज का बेनिफिट भी तो होगा ना कुछ ना कुछ। हाँ जी बिल्कुल बेनिफिट है, क्या मेरा फेवरेट एफई 2656, मुझे पूछा गया कि सर जी आप ये बताइए कि इसके न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना है, इसके न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना है, तो मैंने कहा कि q इज इक्वल टू प्लस एन ई निकालना है, निकालना है तो n की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए ना मेरे को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन दे रहा है, एटॉमिक नंबर दे रहा है ना, तो n की जगह पे मैं z भी लिख सकता हूं, तो q इज इक्वल टू ZE, This is the net charge on the nucleus of Fe. मतलब क्या है इसका? मतलब जहां पे आपको कोई भी न्यूक्लियस दे रखा है, कोई भी न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z दिया है, और आपसे पूछा जाए कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो आप सीधा आंसर करेंगे सर जी ZE, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो Z कितना है यहाँ पे 26, और E 26, Q is equal to 26 E, E का क्या मतलब है 1.6 × 10⁻¹⁹ This is the way we can calculate the value of net charge on any nucleus. ठीक है ना? किसी भी nucleus के ऊपर आप net charge निकाल सकते हैं with the help of this relation q is equal to plus minus ne. Not only on the nucleus, but you can also find the net charge of electrons for any given atom whose atomic number is given. ठीक है ना? जैसे uranium की बात करी जाए, कि uranium के nucleus के पास कितना positive charge है? आप बिल्कुल निकाल लेंगे, यूरेनियम का कितना होता है 92 होता है एटॉमिक नंबर, तो 92e, तो 92e का मतलब क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, दिस इज द वे। अब देखो, अब मैंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा, क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट में मैंने स्ट्रॉन्गली सजेस्ट किया कि फ्रैक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन जब मैं एनसीईआरटी में गया, NCERT में एक्सरसाइज में गया, तो 1.31 न्यूमेरिकल को जब मैंने देखा तो उसने तो कुछ और ही बात कह दी, उसने बात कही कि हमारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, स्पेशली देखो इलेक्ट्रॉन की बात उसने नहीं करी, उसने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ एक और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने जिसका नाम है क्वार्क, ठीक है, ठीक है। और हर एक, उसने क्या कहा कि हमने तो कह दिया जी ये प्रोटॉन है ना ये स्मॉलेस्ट यूनिट है,
उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी स्मॉल है कोई चीज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से मिलकर बने हैं, यानी कि ये उनसे भी स्मॉल है, क्वार्क, ठीक है, क्वार्क से मिलकर बने हैं, ठीक है। और हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास तीन तीन क्वार्क होती है, ये तीन तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक अप वाली क्वार्क होती है और एक होती है डाउन वाली क्वार्क। एक अप क्वार्क होती है, एक होती है भाई डाउन क्वार्क, ठीक है ना। अप क्वार्क के पास होता है 2/3 ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और डाउन वाली जो क्वार्क होती है उसके पास चार्ज होता है -1/3 ऑफ ई। ये इतने इतने चार्ज होते हैं उसके पास, और हर एक के पास तीन तीन क्वार्क होते हैं। तो बताओ कि प्रोटॉन कितने कैसे कैसे क्वार्क से मिलकर बना है। आपका ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.31 क्वेश्चन है, ठीक है, 31 मतलब ये 31वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, इट इज बिलीव्ड दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। हाउएवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये अजम्पशन है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? भाई आपको कह दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने हैं। क्वार्क कैसी होती है? अप एंड डाउन होती है, और तीन क्वार्क होती है हर एक के पास, प्रोटॉन के पास भी थ्री और न्यूट्रॉन के पास भी थ्री क्वार्क होती है, ठीक है ना। प्रोटॉन के पास भी थ्री क्वार्क होंगी और न्यूट्रॉन के पास भी थ्री क्वार्क होंगी, ठीक है। अप क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज होता है, डाउन क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज होता है। इस कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं यूज करके इसको सॉल्व करके बता दो, फटाफट से बता दो, ठीक है। अब मान लो आप प्रोटॉन से डील कर रहे हो, मान लो आप प्रोटॉन से डील कर रहे हो, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? टोटल प्लस ई चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज होता है। अब मान लो कि लेट प्रोटॉन के लिए नंबर ऑफ अप क्वार्क हमने मान लिया एन मान लिया बच्चों, तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना रहेगा? टोटल कितना होता है? तीन। आपने एन अप मान लिया तो 3 - n क्या होगा? क्या होगा 3 - n? नंबर ऑफ डाउन क्वार्क। अब नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आता है? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यहां कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ अप क्वार्क मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन अप क्वार्क। चार्ज कितना है अप क्वार्क पे? 2/3 ऑफ e, और प्लस नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 3 - n, और डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना है? -1/3 e। दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे टोटल चार्ज कितना है? प्लस e, ठीक है। फिर करते जाओ सॉल्व। ये आ गया 2/3 ne, और ये आ गया -e, है ना, और -- प्लस ne/3, दैट इज इक्वल टू e। इस e को इधर लेके जाओ तो आपके पास ne इज इक्वल टू 2e, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 2, यानी कि नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना आ गया? इसका मतलब है नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना आ गया यहाँ पे? अप क्वार्क्स इज इक्वल टू 2। तो अब नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना आएगा? नंबर ऑफ डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क टोटल है 3 - 2, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इज 1। मान लो अप क्वार्क को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू से, है ना, अप वाले को यू से, डाउन वाले को डी से। तो प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन गई? प्रोटॉन की कॉन्फ़िगरेशन बन गई, दो अप हैं एक डाउन है, तो अप अप डाउन, ठीक है ना। अब इसी तरह से न्यूट्रॉन के साथ डील करना है, तो न्यूट्रॉन के साथ आप लोग डील करोगे, आप यही मानोगे नंबर ऑफ अप क्वार्क एन, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 3 - n, टोटल चार्ज उस पे होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0। तो इसको मानोगे 0, ये e इधर चला जाएगा, तो n क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। तो नंबर ऑफ अप क्वार्क उसमें 1 आएगा, डाउन कितना आ जाएगा? 2। तो न्यूट्रॉन आपके पास क्या बनेगा? न्यूट्रॉन, यहीं से पता चल रहा है मेरे को कि डाउन डाउन अप, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी क्वार्क के केस में, क्वार्क्स के केस में, ठीक है। तो क्वार्क के केस में आपके, मैंने दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चा लोग, अब आपको क्या कहा गया, बहुत सारी जगह पे आपको ये क्वेश्चन कर लिया जाता है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो इसको क्लियर कर रहा हूं बच्चा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उसके बाद मैं वेट नहीं करूंगा आप लोगों का,
ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ जी, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार तो मेरे को थोड़ा एक मिनट का टाइम मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एक एक मिनट में मेरा बोर्ड बनेगा, ठीक है। हाँ जी, देखो बच्चा लोग, बोर्ड हमारा रेडी है। अब देखो मतलब आपको ना एक क्वेश्चन, मैं हालांकि अब तक इस क्वेश्चन तक मैं पहुंचा नहीं हूं, ठीक है, फिर भी मेरे को ना बार बार ये क्वेश्चन करा जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन दिमाग में आ चुका है तो मैं उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस placed 1 meter, ठीक है, placed at 1 meter separation, ये question किया जाता है, ठीक है ना। तो ये question देख के बच्चा कहता है कि यार अब बताओ मैं कैसे deal करूं यार, minimum force of attraction मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो minimum के लिए यहाँ पे फोर्स के लिए आपको मिनिमम चार्ज देखने पड़ेंगे, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और फोर्स जो आप लेते हो उसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है, यही बात है ना। कि देखो बच्चा ये बात तो मैं आपको बता दूं, अब तक हालांकि हम इस पे पहुंचे नहीं है, एफ इज इक्वल टू होता है 1/4πε0Q1Q2/r2। तो आपको मिनिमम वर्ड यूज किया गया है, तो Q1 का वैल्यू भी 1e ले लो और Q2 का वैल्यू भी, मिनिमम वैल्यू तो 1e ही होता है, ठीक है, तो फिर है ना, तो 1e, तो चार्ज इसकी Q1 की वैल्यू कितनी है, 1e की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और Q2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो दिस इज द मिनिमम। तो एफ मिनिमम आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹⁹, ठीक है जी। Q1 into Q2 की वैल्यू होगी जी 1.6 × 10⁻¹⁹ into 1.6 × 10⁻¹⁹ इसका स्क्वायर और नीचे 1, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दिस इज द मिनिमम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 1 meter अपार्ट, ये मिनिमम आपके पास वैल्यू आ चुकी है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मैंने अब तक क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब हमारे पास क्या आता है कि मैं 2 पॉइंट चार्जेस लेता हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं पॉइंट चार्जेस को जिनकी वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू मैं लेके चल रहा हूं। देखो बच्चा मैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस की यहाँ पे ज्यादातर बातें करने वाला हूं, आपको पता है हमारी नेचर की जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिस चैप्टर से आप डील कर रहे हो वो चैप्टर हमारा कहीं ना कहीं हमारी नेचर में हर जगह बैठा होता है, हर जगह, ठीक है ना। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आप पेंट करते हो, ये मैं चोक चला रहा हूं बोर्ड के ऊपर, ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टेट से डील करती ही करती हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टेट से डील करती है, ये 100% श्योर है। जैसे आप पेंट करते हो, व्हाइट वॉश कर रहे हो घर पे, अभी दिवाली गई है, ताजा आपने पेंटिंग करी होगी, सारे बच्चे पेंटर बने होंगे, ठीक है, घर पे वेले बैठे हो, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, है ना, तो पेंटिंग तो जरूर करी होगी आप में से, ठीक है। तो पेंटिंग जो है वो भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस में आता है, जो मैं पेन लिख रहा हूं, पेन से लिख रहा हूं फ्रिक्शन फोर्सेस की हेल्प से, वो भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस में आते हैं। आपको ये बात तो क्लियर पता ना कि हमारी नेचर में 4 basic forces है। 4 basic forces में कौन कौन आती हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस आती हैं, ग्रेविटेशन फोर्सेस आती हैं, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस तो हम देख नहीं सकते जी, ना ग्रेविटेशन फोर्स देख सकते। ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये फोर्सेस वहीं पे एक्टिव होती हैं जहां मास मास ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में आए,
अगर मास मास ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नहीं आता, मतलब प्लैनेट्स के कंपैरिजन में नहीं आता ना, तो फिर ये वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू देखो ना यार, 6.67 × 10⁻¹⁻ इसके लिए मास बड़ा, बहुत बड़ा चाहिए, तभी ये एक्टिव होंगी, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होंगी। तो यानी कि हमारे नेचर के लिए तो छोड़ ही दो ये बात कि ग्रेविटेशन फोर्सेस हम कहीं पे देखते हैं या आप लोग देखते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ग्रेविटेशन फोर्सेस आप देखते होते हो अपनी डेली लाइफ में? देखा है आपने, ऐसा देखा है कि चलते चलते हमारे सर भिड़ जाए अपने आप और फिर हम एक दूसरे को कहें सॉरी यार ग्रेविटेशन फोर्सेस के कारण हो गया ऐसा? क्या ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। कई कई है ना आंख बंद करके चल पड़ते हैं, उनके साथ तो हो जाता है ना, एक टाट दूसरी टाट से स्ट्राइक कर जाती है, लेकिन ऐसा यूजुअली ग्रेविटेशन फोर्सेस के कारण तो कतई नहीं होता। ठीक है ना, नहीं होता, हम हमारे नेचर में कभी ऐसी बातें ऑब्जर्व नहीं करते। तो हमारे नेचर में है क्या फिर? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चा लोग कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमारे नेचर में डोमिनेटिंग स्वभाव की हैं। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस डोमिनेटिंग स्वभाव की हैं तो उनकी वैल्यू भी हमें निकालनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपने ग्रेविटेशन में किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आप निकाल रहे हो वो कूलम्स लॉ है आपके पास। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ वी हैव टू पॉइंट चार्जेस, देखो मैंने पहले वर्ड यूज किया पॉइंट चार्जेस, तो आपके पास चार्जेस जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं और उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगेंगे। मतलब ये जो फोर्स होंगी ना ये कंजर्वेटिव नेचर की होंगी। कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब होता है? ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये सेंट्रल भी होंगी। सेंट्रल का क्या मतलब होता है? दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करेंगी। बड़ी मेरी बात है, बड़ी ध्यान से सुन लेना कि दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब है पाथ इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसकी मैं सीधी सीधी स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि F is equal to electric constant K Q1 into Q2 divide by R square. Point charges हैं, बीच separation है R, force जो लगेगी वो R के along लगेगी, ये force path पे depend नहीं करेंगी कि path कैसा है, ये depend करेंगी initial और final position पे। ठीक है, तो ये forces कैसी हैं? Conservative forces हैं। अच्छी बात पता लगी है मुझे, conservative forces हैं, central in nature हैं। तो दो बातें लिख ही लेता हूं मैं, कहीं आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी रुक जाओ हम नोट भी कर लें, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट, दिस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड सेंट्रल फोर्सेस हैं, और यहाँ पे जो चार्ज हमने लिए हैं वो पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, ये बात भी अच्छी है, लिख लो इस बात को, चाहे पॉइंट चार्ज हैं जिनकी वैल्यूज काफी स्मॉल वैल्यूज हम लेके चलते होते हैं, काफी स्मॉल वैल्यूज हम लेके चलते हैं। अब मान लो आपने बड़ी वैल्यू ले ली, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू ले ली, मान लो बड़ी बहुत ज्यादा भी ना लो, आप चार्ज ले लो, चलो 1 कूलम्ब ले लो चार्ज, आपके पास दो चार्ज हैं 1 कूलम्ब के, आप छोटी वैल्यू क्यों लेते हो? इसका कारण बताता हूं मैं बच्चों आपको। मान लो कि आपने ले लिया Q1 = 1 कूलम्ब, है ना, और Q2 = 1 कूलम्ब, ठीक है, R भी 1 मीटर ले लो, ठीक है, तो F = कितना आएगा? F = K के बराबर ही आएगा, है ना, और K की वैल्यू कितनी होती है पता है? 9 × 10⁻⁹ N। अब देख लो आप वैल्यू, फोर्स कितनी बड़ी आई है, मतलब अगर आपने चार्ज को इवन 1 कूलम्ब भी लिया है ना तो भी आपके पास फोर्स कितनी आ रही है आप महसूस कर सकते हो, बहुत बड़ी फोर्स आ गई। तो चार्जेस आपको क्या रखने हैं? ज्यादातर आपको बहुत ही स्मॉल चार्जेस आपको रखने हैं, तब जाके आपकी वैल्यू ऐसी आएगी जो मेजरेबल सी रहेगी। जैसे कि मान लो मैं मिनी माइक्रो कूलम ले लेता हूँ, माइक्रो भी नहीं, मिली कूलम ले लेता हूँ, ठीक है, तो 1 मिली कूलम, मिली का मतलब होता है 10⁻³ कूलम, और Q2 को भी मैं मिली कूलम ले लेता हूँ 10⁻³, ठीक है, या इसको माइक्रो ले लेते हैं, चलो माइक्रो होता है 10⁻⁶, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो F = क्या रहेगा? K Q1 Q2, R को 1 मीटर ले रहा हूं, Q1 10⁻³, Q2 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁶ - 3 - 9, तो ये क्या बचा आपके पास? 9 न्यूटन।
अब फोर्स इज इक्वल टू 9 न्यूटन आई उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हमारे चार्जेस एक तो बेचारा माइक्रो है और दूसरा मिली कूलम है, ठीक है। अगर चार्जेस आपके स्मॉल हैं उस सिचुएशन में आपके पास फोर्स की जो वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू है जो मेजरेबल है ना। यानी कि आप इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है इसके लिए, है ना। ठीक है भाई, है तो है, इसमें मैं कोई वो नहीं कर सकता, है ना। अब देखो बच्चा लोग, आपने क्या कहा, आपने कहा कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मींस अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं आपको एक क्लियर कट और भी बात बताना चाहता हूं कि ये जो फोर्स होती है ना, ये फोर्स एफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, चार्जेस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब प्लस माइनस साइन पे यूज नहीं करती। यहां पे हेयर वी हैव टू टेक क्या हमें लेना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, वी हैव टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब मान लो कि आपके पास ये दो चार्ज है और मैंने इनके बीच में एक चार्ज बैठा दिया Q3, मैंने इनके बीच में एक चार्ज बैठा दिया क्या Q3, तो ये कहता है कि ये जो तीसरा चार्ज है ना, इन दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन है उसको अफेक्ट कभी नहीं करेगा, उसको अफेक्ट कभी नहीं करेगा। मेरी बात आप ध्यान से सुन लो बच्चा लोग, कि अगर मान लो मेरे पास ये दो चार्ज हैं, इनके बीच में मैंने तीसरा चार्ज बैठा दिया कहीं पे इधर उधर, तो ये जो Q3 है ना, ये Q1 और Q2 के बीच लगने वाली फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना, ये बड़ी बेसिक बातें हैं बट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं ये, आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना। अब देखो इस पे एक जनरल सा न्यूमेरिकल भी बन जाता है, कैसे, आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जो यहां पे बैठा है, एक प्रोटॉन दे दिया जो यहां पे बैठा है, ठीक है। अब आपको कहा कि सर जी आप हमें ये बताइए कि Fe अपॉन Fg क्या हुआ, Fe इलेक्ट्रिक फोर्सेस, Fg ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होंगी, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यही मैग्नीट्यूड होता है इसका, प्रोटॉन का भी यही मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन दोनों के मासेस अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, है ना, इसका मास इलेक्ट्रॉन का, मास प्रोटॉन का कितना होता है, 6.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, है ना, ये इसका मास होता है। तो ये इसमें ग्रेविटेशन फोर्सेस की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वैल्यू जो आप निकालोगे उनकी रेशियो आपसे पूछी जाएगी, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम NCERT, ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है। अब देखो जी, आपके पास कूलम्स लॉ आ चुका है, कूलम्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और K की वैल्यू जो है वो है आपके पास कितनी, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू है कांस्टेंट, दैट इज 9 × 10⁻¹⁹, K की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट फॉर K के लिए जो यूनिट है वो है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके गाइस, जिसमें एप्सिलॉन नोट जो है दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो बच्चा, परमिटिविटी में वर्ड छुपा है परमिट करना, कि फ्री स्पेस कितनी फील्ड लाइंस को परमिट करता है, कितनी फील्ड लाइंस को परमिट करता होता है, दैट्स द परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है जी 8.85 × 10⁻¹½ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। इसका उल्टा कर दो यार, दिख ही रहा है यहां से देख के पता ही लग रहा है, ठीक है ना, 8.85 × 10⁻¹½, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इफ आई यूज दैट स्टेटमेंट, देन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय
आर स्क्वायर, दिस इज द लास्ट रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन. कल हम बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म पे. वेक्टर फॉर्म पे बात करने से पहले मैं आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा. कंप्लीट रिवीजन में आपको दूंगा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की. उसके बाद मैं पोजीशन वेक्टर की टर्म में आपको लिखते दिखाऊंगा. उसके बाद मैं थ्री चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट करूंगा. उसके बाद मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आज ही मैं अपलोड कर रहा हूं आपके ग्रुप में. तो जिन जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं है, प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ दोस. ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए. प्रिंट आउट लेके उसके ए टू जेड न्यूमेरिकल मेरे साथ बैठ के लीजिए. जब तक एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल आपके टिप्स पे नहीं होगा, आपका चैप्टर समझ लीजिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है. और जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिलती हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस के शेड्यूल हैं आपके, प्लीज बी रेगुलर. ठीक है, आप रेगुलर रहें उन क्लासेस में. उन क्लासेस में मैं स्पेशली आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना बचे, ताकि आप किसी भी चीज में किसी भी एरिया में अपने आप को वीक फील ना करें. तो ये बात बच्चों ध्यान रखें कि आपकी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए. ठीक है, अब आपको पढ़ना है अपने लिए, अब जगत सर के लिए नहीं पढ़ना है. ये बात आप याद रखें, अपने लिए काम करना है आप. ठीक है, तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूं एक बार. आश्रय, ऐश, आकृति, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, हर्षिता, एमनंदन प्रीत कौर, किरणदीप कौर, मंजोत कौर, मंजोत कौर दोनों क्लासेस की हैं, मंजू, साहिल प्रीत सिंह और संदल. ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस नोट कर लेता हूं और आपकी अटेंडेंस हर रोज आगे भेजता रहूंगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत ना हो अटेंडेंस के हिसाब से. ठीक है, ताकि आपके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो कभी अफेक्ट ना हो. मैं आपकी अटेंडेंस रेगुलर बेसिस पे ऑफिस में पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है. जो जो बच्चा यहाँ जुड़ेगा, ये भी मेरा वादा है कि जो बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है, जिसकी अटेंडेंस, जो बच्चा मेरी नजरों में है, मैं कहता हूं कि आपकी इंटरनल असेसमेंट का 0.5 मार्क्स भी कोई काट नहीं सकता. ये मेरा वादा है आप लोगों से. बस कंडीशन इतनी है कि आप मेरे साथ जुड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो. बस इतनी सी कंडीशन है. ठीक है, चाहे वो बच्चा आप में से कोई भी बच्चा है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा, हाँ जी ये बच्चा, इसके टैग लगा हुआ है इंटेलिजेंट वाला, तो ही मैं उसको इंटेलिजेंट प्रूव करूंगा. ना, वो बच्चा जो मेरे साथ जुड़ के मेहनत कर रहा है, मेरी नजरों में वो हर बच्चा इंटेलिजेंट है. ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ के मेहनत कीजिए. ये 100% श्योर बात है कि मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा. ठीक है, वादा है मेरा. इसी इस बात के साथ क्लास करता हूँ यहीं पे समाप्त. ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा पार्टी. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, थैंक यू बच्चा.